और किसानों से वादा खिलाफी, धान खरीदी में अवस्था, बरदानों की समस्या सहित किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। भाजपा ने सरकार पर निशाना साधते हुए किसानों से छलावा और निरंकुश सरकार होने का आरोप लगाया है। धरना प्रदर्शन के उपरांत पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी के द्वारा रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने निकले भाजपाइयों को पुलिस की झूमा झपटी भी हुई। अंत में भाजपाइयों ने अपनी गिरफ्तारी देकर प्रदर्शन समाप्त किया। देखिए, आज का ये धरना प्रदर्शन किसानों का धान खरीदी का बड़ा विषय, जो लंबे समय से ये कांग्रेसी सरकार बनने के बाद किसानों के साथ छलकपट कर रही है। किसानों का एक एक धाना धान की खरीदी की बात कही थी, लेकिन आज किसान पूरा परेशान है। आज किसानों का धान खरीदी के नाम से बारदाना की कमी बता रहे हैं। कभी खरीदी के लिए यहाँ पर टोकन और एक प्रकार से बात करें तो बहुत सारे किसानों का रकबा भी कम कर दिया गया। इन सब बातों को लेकर बड़ा नाराजगी। उसके साथ साथ आज के तारीख में मात्र 4 दिन का समय है और करीबन 13,000 से ज़्यादा किसान अभी धान नहीं बेच पाए हैं। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर आज हमारे भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ता, हमारे किसान आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट का घेराव का कार्यक्रम रखा है, जिसके माध्यम से हम भूपेश बघेल सरकार को यहाँ से चेतावनी दे रहे हैं कि किसानों के साथ न्याय हो, उनके पूरी धान खरीदी किया जाए और एक माह का तो धान खरीदी का समय भी बढ़ाया जाना चाहिए और पूरा एक मुश्त धान की राशि दिया जाना चाहिए। 2 साल का बोनस के साथ साथ बचा एक किस्त जो बाकी, सब चीज़ का भुगतान होना चाहिए। तमाम मांगों को लेकर आज हमारे सभी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन के साथ साथ आक्रोशित बहुत हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर बैरिकेड्स को भी मतलब उसके ऊपर आ चुके हैं और ये सब तमाम मांगों को लेकर पूरे प्रदेश के 28 प्रशासनिक जिलों में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आज हो रहा है, जिसके माध्यम से भूपेश बघेल सरकार को हम यहाँ से एक चेतावनी दे रहे हैं किसानों के साथ न्याय करें। ये बात तो न्याय की करें लेकिन उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। हमारी सब मांगों को लेकर आज का ये उग्र आंदोलन प्रदर्शन धरना कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रखा गया है। आगे की रणनीति निश्चित रूप से हम आने वाले समय सरकार धान खरीदी की समय सीमा वृद्धि करेगा, ऐसा हम चाह रहे हैं। उसके साथ समय में हो नहीं तो प्रदेश के साथ साथ आने वाले समय में हमारे पार्टी और आने वाले विधानसभा वगैरह सत्र के समय में घेराव का भी कार्यक्रम बन सकता है, उस पर विचार करेंगे। गिरफ्तारी की अब गिरफ्तारी की कार्रवाई चल रही है, हम गिरफ्तार होना चाह रहे हैं, हम खड़े हैं।